कमीनो, मुझे भी ले चलते, पता कितनी दूर से भागती हुई आई हूँ मैं। तुझे चलाना तो आता नहीं, बैठना है साइकिल पे, बड़ी आई पागल की। तो तुझे कहाँ आती है, तसवारा तूने भी गिराई है। हाँ चल चल यार। यस मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना पेट में कुछ घूम रहा है, बहुत तेज दर्द कर रहा है मेरा पेट। इसको पकड़ टट्टी आ रही होगी। इसने 10 दिन से हगा नहीं है ना, सारा पेट में गुम्बा जमा हुआ है। अरे नहीं यार सच में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुझे ना मेरा श्राप लगा कि तुम लोगों ने मुझे साइकिल नहीं दी ना चलाने को, इसलिए बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। अरे नहीं यार मेरे पेट में सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अबे यार इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल कौन जाता है, एक काम कर, मेरे घर के बगल में ना वैद्य जी रहते हैं, वो तुझे छोटी सी पुड़िया बांध के दे देंगे, उससे तेरा सारा दर्द चला जाएगा। अरे नहीं सच में मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, अगर मैं थोड़ी देर और हॉस्पिटल नहीं गया ना तो मैं मर जाऊंगा पक्का। और वैसे भी यहाँ पास में ना कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो तू चुप कर। अरे है ना वो जो रोड के उस पार है ना हॉस्पिटल बड़ा सा, वहाँ चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई पागल है क्या, वो वैसे भी तो हॉस्पिटल चलता भी नहीं है, वहाँ तो कोई जाता भी नहीं है, इतने सुनसान एरिया में भाई हम नहीं जाएंगे। अरे तो अच्छा है ना वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, मेरा नंबर सबसे पहले आ जाएगा वहीं। चलो यार चलो जल्दी से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चल चल ठीक है मर मत, चलते हैं फिर। हाँ चलो चलो चलो। एक सेकंड, ये बदबू कहाँ से आ रही है थड़ी से ची। तू नहीं नहाया ना आज भी, नहीं नहाया ना, कितनी बार बोला कम से कम नहा तो लिया, कितनी बदबू मार रहा है। अरे यार ठीक है ना नहा लूंगा, वैसे मुझे ना अपनी शर्ट चेंज करनी थी, मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है, वहाँ पे चेंज कर लूंगा, ज्यादा मत बोलेगा मेरे आगे। चलो चलो यार जल्दी चलो। अरे यार चलो चलो। अरे टोपी मेरी। अरे जल्दी चलना। जाओ फटाफट को डॉक्टर को बुला लेकर आओ। है अब पागल है कि मैं क्यों जाऊंगा, तू जाके लेके आ जा। बकवास बंद कर ले और काम कर ले चल के, चल जा। अरे सिका तुम ही चली जाओ ना। अच्छा ठीक है चली जाऊंगी, पहले तू लेट चल के चल। हाँ चल चल चल। अरे भाई गद्दा मस्त है ना। हाँ भाई मस्त है एकदम। और दर्द बहुत तेज हो रहा है, जाओ फटाफट डॉक्टर को बुला लेकर आओ। हाँ हाँ जा रही हूँ, ध्यान दे उसका। अरे तो ठीक तो है ना डॉक्टर। डॉक्टर कितना अजीब हॉस्पिटल है ये, ना कोई डॉक्टर ना कोई पेशेंट, बहुत अजीब है डॉक्टर। रामचंद्र ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ये खून बहुत मीठा होता है। डॉक्टर कैसा डॉक्टर है, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। क्या हुआ डॉक्टर को क्यों नहीं लेकर आई। अरे गूंगी खड़ी रहेगी, बोलेगी कि डॉक्टर कहां पे है। अरे बोलेगी कि नहीं मेरे पेट में इतनी तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर डॉक्टर को छोड़ो और चलो यहाँ से, यहाँ रहना सेफ नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी चलो। अरे यार सिका ये क्या बोल रही है, हम मजाक मत कर, चल फटाफट डॉक्टर को बुला लेकर आ। गगन तू ये सब छोड़ और चल यहाँ से, हम किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे वहां तेरा इलाज करवाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, अगर यहाँ रहेंगे ना तो हम तीनों मारे जाएंगे, समझा कर प्लीज। सिका तू पागल पागल हो गई है क्या, ये बेचारा दर्द में मर रहा है और तुझको मजाक सूझ रहा है। ठीक है मैं मजाक कर रही हूँ ना, जब मरोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें। अरे यार यस तू एक काम कर, तू जाके डॉक्टर को बुला लेकर आ, ये पागल है। हाँ तू सही कह रहा है, मैं लेके आता हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर डॉक्टर
इंसानों का खून पीने का मजा ही अलग है। रामचंद्र का खून, क्या बात है। ये क्या कर रहे हैं? खून पी रहे? कहाँ आ गए हम? और इसके आगे यार, अरे यार क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे देख क्यों रहे हो? कुछ बोलोगे भी? अरे यार क्या हो गया? ऐसे डराओ मत मुझे, कुछ तो बोलो। शिखा सही कह रही थी, अगर हम तीनों यहाँ पे थोड़ी देर भी और रुके ना तो हम तीनों के तीनों मारे जाएंगे। अरे यार तुम दोनों क्या बोल रहे हो भाई? देखो अगर मजाक कर रहे हो तो प्लीज मत करो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुझे मजाक लग रहा है? यहाँ कॉमेडी चल रही है? अरे पागल, यहाँ थोड़ी देर और रुके ना तो हम मर जाएंगे, समझा कर गगन, चल यहाँ से निकल, चल। अच्छा मजाक नहीं कर रहे हो क्या? फिर तुम दोनों मिलके प्रैंक कर रहे हो ना? कहाँ है कैमरा बताओ। अरे यार गगन भाई, तू हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा है? हम ना ही मजाक कर रहे हैं ना कोई प्रैंक कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर अंकल, मेरे पेट में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम्हें तो बुखार भी है। अरे नहीं डॉक्टर अंकल, मुझे बुखार नहीं है, सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना तुम्हें बुखार भी है। मैं कुछ बोल रहा हूं, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। मैं अभी लेकर आता हूं। गगन मेरे भाई, तू उठ यहां से, चल। अगर यहां से बाहर निकलेंगे ना तो तेरा दर्द सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है? चल उठ। अरे क्या बोल रही हो तुम, यहां पर भी तो ठीक हो रहा हूं, डॉक्टर गया है ना कुछ लेने, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं। अरे भाई हम तीनों चलते हैं यहाँ से, वरना मारे जाएंगे। यार ये खुद तो मरेगा, हम ही मर भाएगा। और तुम दोनों चुप रहो और मुझे अपना इलाज करवाने दो। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। गगन हम बकवास नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर दवाई लेने नहीं गया है। तुम्हें तो इंजेक्शन लगेगा। ठीक है डॉक्टर अंकल, लगा दो इंजेक्शन। अरे ड्राफ्ट तो मैं भूल ही गया। रुको, मैं अभी आया। जो मैंने देखा वही तुम दोनों ने भी देखा, सेम टू सेम। हाँ भाई, लेकिन हमने तो इससे भी भयानक भयानक देखा है। क्या भयानक देखा है? और तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं अभी तक?
अरे तुझे बता तो रहे थे लेकिन तू है कि सुनने को तैयार ही नहीं था। तुझे पता है जब मैं गई थी डॉक्टर को बुलाने के लिए तो वो इतने बड़े बर्तन में इतना सारा खून पी रहा था, मैं तो देखते ही डर गई। हमें तो लगा कि वो तेरे साथ भी यही करेगा, तुझे मार के हमारा क्या होगा गगन। अभी भी टाइम है, यहाँ से निकल लेते हैं, चल भाई चल। अरे नहीं, वो भूत वो थोड़ी ना है, वो ना जादूगर होगा। जादू से ऐसे हाथ किया और यहाँ से उसके पास वो दवा उसके हाथ में आ गई। उसने ना जादूगर की भी पढ़ाई करी होगी, ऐसा हो सकता है, भूत नहीं होगा वो। शिखा थप्पड़ मार। अरे मुझको नहीं, इसको मार। सॉरी, इसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तू हमारी बात ही नहीं समझ रहा है। जब वो डॉक्टर तुझे मार के तेरा खून पी लेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। तब कैसे पता चलेगा? तब तो मैं मर जाऊंगा ना। अरे गधे, तुझे मारने के बाद हमें छोड़ देगा वो, हमें भी मार देगा, फिर हम ऊपर आएंगे, तुझे सारी घटना बताएंगे, समझा? मुझे मरना नहीं है, क्या करें फिर आगे बताओ। अरे करना क्या है, उस भूतिया डॉक्टर के आने से पहले भागते हैं यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। काम भाग रहे तुम लोग, इंजेक्शन ही लगवाना, चलो लेट इधर। नहीं डॉक्टर अंकल, मेरे पेट का दर्द ना एकदम सही हो गया है, अब मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। ऐसे कैसे नहीं लगवाना, पूरे 160 रुपए का इंजेक्शन है, मेरे तो 160 रुपए खराब हो जाएंगे। अरे अंकल कोई बात नहीं ना, मैं आपको पेटीएम कर दूंगी। ये अपना अपना फोन देना ना। ये ले। नंबर बताओ। पेटीएम? नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं पैसे ले लूं? पहले मैं इंजेक्शन लगाऊंगा फिर पेटीएम लूंगा। लेकिन मेरे पेट का दर्द तो सही हो गया है ना डॉक्टर अंकल, फिर मैं क्यों लगाऊंगा इंजेक्शन? इंजेक्शन मैंने भर दिया है, अब तो मैं लगाऊंगा ही, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुमको मैं। भाई यार अब क्या करे, कुछ सोचना पड़ेगा। और मम्मी का फोन आ गया। हाँ मम्मी, हाँ मेरे पेट का दर्द सही है, हाँ बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। अरे वो गाना बज गया गलती से। हाँ मम्मी बस आ रहे हैं, हाँ बस 5 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। हाँ ठीक है मम्मी। तो तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि घर जाना है, जाओ जाओ, नहीं जा पाओगे क्योंकि यहाँ जो एक बार आया है जिंदा वापिस नहीं गया। लेकिन क्यों नहीं जाता जिंदा वापिस? क्योंकि मेरी कोई कहानी नहीं सुनता। तुम लोग मेरी कहानी सुनोगे? जो मेरी कहानी नहीं सुनता उसको मैं मारकर उसका मैं खून पी जाता हूँ। मैं एक बार फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम तीनों मेरी कहानी सुनोगे या नहीं? आओ इधर आओ। हाँ डॉक्टर अंकल बताओ। आज से 6 महीने पहले की बात है, मैंने और मेरे दोस्त ने ये हॉस्पिटल खोला। हमने सोचा कि गरीबों से पैसा नहीं लेंगे और अमीरों से पैसा लूटेंगे। वो कहते हैं ना कि जब पैसा आता है तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वही मेरे साथ। हाँ बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? आज से इस हॉस्पिटल का नियम बदलने वाला है, आज से हम अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी लूटेंगे। ये नहीं हो सकता। सोच लो मेहता जी, मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है? ना सुनने की आदत नहीं है, क्या कर लेगा तू? ये मुझसे क्या हो गया? मेरा करियर, पुलिस, जेल। तो ऐसे मेरी मौत हो गई। ज्यादा पैसा आने के बाद मेरे दोस्त का दिमाग खराब हो गया और उसने मुझे जान से मार दिया। उसके बाद इस हॉस्पिटल में मेरी आत्मा भटकती है, जो भी यहां आता है मैं उसे मारकर उसका खून पी जाता हूं।
क्योंकि मेरी कोई कहानी नहीं सुनता था, लेकिन आज तुम लोगों ने मेरी कहानी सुन ही ली। ठीक है डॉक्टर जी, अब हम जाएं घर। नहीं, तुम तीनों नहीं, अब मैं जाऊंगा यहां से। चलो ये अच्छा हो गया कि हमारी स्टोरी सुनने की वजह से डॉक्टर अंकल को मुक्ति मिल गई। हाँ सही बोल रही है तू, अब घर चले। हाँ एक मिनट, तेरी पेट दर्द का क्या? वो तो सच में सही हो गया। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मजा आया है, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और क्या, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट, और बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सब्सक्राइब भी कर देना, बाय।